तो फ्रेंड स्वागत है कि नई वीडियो में आज हम बात करने वाले फ्रेंड जो कि मेरे पास है रियलमी 3। तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ फ्रेंड मैसेज टोन को कैसे चेंज करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आज के वीडियो में यही सीखेंगे। और फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में बड़े आसानी से मैसेज टोन को चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सेटिंग्स को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च सेटिंग्स के ऑप्शन में यहाँ पे लिख देना है मैसेज रिंगटोन। तो आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाए, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये सर्च सेटिंग्स का जो है ऑप्शन सारे के सारे डिवाइस में होता है, तो आप यहां से भी कर सकते हैं। किसी किसी में नहीं होता है तो उसके लिए क्या करें, आपको ऊपर की ओर सिलेक्ट करना है। ऊपर की ओर सिलेक्ट करने के बाद यहां पे साउंड एंड वाइब्रेट जो है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहां पे ऊपर की ओर सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं मैसेज टोन, तो मैसेज टोन को आपको ओपन कर लेना है और यहां पे अलाउ अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद इनमें से कोई सा भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। मैं आपको दो तीन चला के भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये भी लगा सकते हैं। जो भी आप लगाना चाहते हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि अपना फेवरेट सॉन्ग लगाऊं तो आप वो भी लगा सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट फ्रॉम, देख सकते हैं सिलेक्ट फ्रॉम फाइल जो है इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अलाउ कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जो भी आपके मेमोरी में या फोन में जो भी सॉन्ग होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, सेव कर देना है। तो फ्रेंड आज की वीडियो आपने सीख लिया है मैसेज रिंगटोन को कैसे सेट करते हैं। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।